महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रविंद्र चंद्र अश्विन समेत कई भारतीय क्रिकेटर्स को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिला है। वहीं क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने को लेकर दो टूक कहा कि कोई जाए या ना जाए, वो तो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाएंगे ज़रूर। आपको बता दें, हरभजन सिंह का ये बयान कई राजनीतिक दलों द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद आया है। हरभजन ने साफ कह दिया है कि वो कुछ भी हो जाए, भगवान के आशीर्वाद के कारण ही है। हरभजन ने कहा, ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय ये मंदिर बन रहा है, इसलिए हम सभी को जाना ज़रूर चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए, कोई भी जाए या ना जाए, क्योंकि मेरी भगवान में आस्था है, मैं ज़रूर जाऊंगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी जाति और कौन सी पार्टी जाति का मैं हूँ, मैं तो जाऊंगा। हरभजन सिंह ने इस दौरान दूसरी पार्टियों पर भी तंज कसा और कहा कि अगर कांग्रेस को जाना है तो जाए, अगर किसी को मेरे राम मंदिर जाने से कोई दिक्कत है तो वे जो चाहे कर ले, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, कोई मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही है वो भगवान की कृपा से है, मैं तो आशीर्वाद लेने ज़रूर जाऊँगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में सियासत भी जारी है। दरअसल कांग्रेस और आप सहित विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक फैसला लिया था कि सुंदरकांड करवाने का फैसला किया जाएगा। दिल्ली और गुजरात के बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हरियाणा में भी सुंदरकांड पाठ का आयोजन अब होने जा रहा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।